हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इससे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड बता चुकी हूँ, जो कि असेसमेंट के हिस्सा है। यानी जब हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं, उनके ये टूल हैं। ऐसे ही क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी जो है वो एक टूल है। तो आइए समझते हैं इसे। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से उन्हें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगी, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हों। आपको खुद पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए टॉपिक जो है वो क्लियर होना आपका बिल्कुल ज़रूरी है। तो उस क्वेश्चन वीडियो को भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है? अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड इज़ दैट विच कंटेन द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट असेसमेंट एंड जजमेंट्स हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है वो एक कार्ड के रूप में भी हो सकता है, एक फाइल फोल्डर के रूप में भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि जिसमें हमने बच्चे के को जो हमने डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट किया है, यानी कि अलग अलग चीज़ों में जो हमने उसका आकलन किया है, चाहे हमने उसके बिहेवियर को लेके किया हो, चाहे हमने उसके स्कूल की लाइफ को लेके किया, यानी कि वो पढ़ाई में कैसा है, चाहे हमने उसके स्पोर्ट्स को लेके किया हो, तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेके, तो अलग अलग चीज़ों में जो हमने उसका असेसमेंट किया है, जो जजमेंट दिए हैं, उसको आप जब एक किसी चीज़ में रखते हो, किसी रिकॉर्ड में रखते हो, तो वो रिकॉर्ड जो होता है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है? और ये कैसा है? हमने एक पूरे एक टाइम टू टाइम हमने किया है, धीरे 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 हम थोड़े थोड़े समय पे नोटिस करते गए, एक महीने हमने नोटिस किया, फिर हमने दो तीन महीने उसको फिर नोटिस किया, तो वो पूरा जो एक रिकॉर्ड आपने बनाया वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड। और कह सकते हैं एड्यूस्ड फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, साइकोलॉजिकल, यानी कि जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है, उसके उन सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं लाइफ के, उसके बारे में रिकॉर्ड होता है। यानी कि वो पढ़ाई में कैसा था, फिजिकली कैसा था, वो मेंटली कैसा था, सोशली कैसा था, उसका बिहेवियर, मोरल यानी कितनी वो मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं उसकी, साइकोलॉजिकली वो कैसा है, ये सारे चीज़ें, यानी कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट सीक्स टू गिव अस कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर एज पॉसिबल ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या चीज़ को समझने में, कि क्योंकि हमें उसकी सारी चीज़ों के बारे में मालूम कि ये पढ़ने में ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, स्पोर्ट्स में ऐसा है ना, या फिर इसकी इसमें ये मोरल वैल्यूज़ हैं, तो उन सबको अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा किसी भी बच्चे का, तो क्या हमें उसकी पर्सनैलिटी को समझने में हेल्प मिलेगी। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमें किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को समझने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला है, इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द पीपल और स्टूडेंट। यानी सबसे पहली बात है कि ये कैसे रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है, यानी हमने पूरा नोट कर लिया है और हमने फिक्स कर दिया है लास्ट में कि ये बच्चा जो है वो ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है? इट इज़ मेंटेन अप टू डेट whenever any new information is obtained about the child। यानी ये क्या है, इनको अप टू डेट मेंटेन किया जाता है। जैसे ही आपको उस बच्चे के बारे में कोई चीज़ पता चलती है, आप उसमें ऐड कर लेते हो, तो लास्ट में फिर हम देखते हैं ओवरऑल पूरी रिकॉर्ड को देख के कि ये बच्चा जो है वो कैसा है, इसका इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, अप टू डेट अपडेट करते रहते हैं। इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच आर ऑथेंटिक, रिलेबल, ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल। यानी इसमें हम कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं नोट करते हैं, इसमें हम सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ऑथेंटिक हैं,
रियलेबल है यानी कि मानने वाली है बिल्कुल, और उद्देश्यपूर्ण है और यूज़फुल है, ठीक है, जो हमें उस बच्चे के बारे में कुछ जानने के लिए हेल्प करेंगी, उन चीज़ों को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इट प्रेजेंट्स अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल और स्टूडेंट, हिज पास्ट अचीवमेंट्स एंड प्रेजेंट स्टैंडिंग। क्योंकि इसमें क्या है, हम डे टू डे जो भी हमें अगर कुछ मिल रहा है तो अपडेट करते जा रहे हैं, और ओवर थोड़े थोड़े टाइम पे हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं उसके हर एक आस्पेक्ट के बारे में। तो ये हमें बच्चे की पूरी कंप्लीट एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में बताता है, उसके अचीव उसके पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में भी इससे हमें पता चलता है, यानी पहले उसने क्या किया, और प्रेजेंट अचीवमेंट में भी। जैसे मान लिया आपकी क्लास में एक बच्चा है, स्टार्टिंग में वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है, तो आप तो उसका अपने टेस्ट लिया, मंथली टेस्ट लिए, है ना, वीकली टेस्ट लिए, उसे आपने रिकॉर्ड किया, फिर धीरे धीरे आप देखते गए कि वो वीक होता गया कि, और लास्ट में आपने देखा कि वो पढ़ाई में बहुत डल हो गया। तो इसे क्या है, जब आप लास्ट में उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड्स जो होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं छोटे बच्चों को, तो वहाँ पे उसका पूरा बिहेवियर और पूरे सारे एग्ज़ाम्स के नंबर होते हैं उसमें, उसके टर्म्स के नंबर होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम्स के होते हैं, तो उसको देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये बच्चा जो था वो शुरू में तो बहुत अच्छा था, उसकी अचीवमेंट पास्ट अचीवमेंट बहुत अच्छी थी, प्रेजेंट में कम हो गई, तो आपको क्या हेल्प हुई, उसका पूरा जो एजुकेशनल प्रोसेस प्रोग्रेस थी या वो कैसे हो गया कि उसकी प्रोग्रेस डाउन हो गई, सारी चीज़ों के बारे में आपको उसका पता चल गया। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है वो इसी चीज़ में हेल्प करता है। लास्ट है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज स्टूडेंट्स एजुकेशनल हिस्ट्री विथ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, अटेंडेंस, हेल्थ, टेस्ट स्कोर्स एंड सिमिलर डेटा। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को आप कह सकते हो कि वो पूरी उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री होती है। एक जैसे कि हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड था जिसमें हमने सिर्फ उसके पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं होता इसमें, और पोर्टफोलियो था जिसमें हम उसकी अचीवमेंट्स के बारे में, अच्छी चीज़ों के, बेस्ट वर्क के बारे में लिखते हैं, वो भी नहीं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, सब कुछ होता है, उसकी टोटल एजुकेशन हिस्ट्री थी कि कैसा वो पढ़ने में अच्छा, कब अच्छा रहा, कब खराब रहा, क्या उसकी अचीवमेंट रही, कितनी उसकी अटेंडेंस रही, क्या उसकी हेल्थ रही, कैसे उसने इस टेस्ट में स्कोर किया, ठीक है, क्या एक्टिविटी में कितना उसने पार्टिसिपेट किया, तो ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो इसमें रहता है। तो ये क्या है, पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था फ्रेंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं, जिसमें हम बच्चे के लाइफ के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में, और पूरे साल उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसकी क्या अचीवमेंट्स रही, और उसके पास्ट अचीवमेंट्स क्या थी, प्रेजेंट अचीवमेंट क्या है, या प्रेजेंट टाइम पे वो कहाँ स्टैंड करता है, सारी चीज़ों के बारे में जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहलाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।